साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे सिफलैक्सिन कैप्सूल 500 mg एंड 250 mg। साथियों हमारे पास ये जो है सिफलैक्सिन कैप्सूल है, सिफालैक्सिन कैप्सूल 500 एंड 200 mg के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों इसके बारे में बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में बात करेंगे एंड डोजेस के बारे में बात करेंगे, प्रिकॉशन एंड इंट्रैक्शन एंड ब्रांड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि सिफालोस्पोरिन होता क्या है, सिफलैक्सिन होता क्या है। सिफलैक्सिन कैप्सूल एक जो है ये फार्मूला है और ये ट्रेड नेम से जो है बहुत सी कंपनी में आता है, जैसे ग्लैक्सो कंपनी इसको बनाती है फैक्सिन के नाम से, PHEXIN 500 mg एंड 250 mg कैप्सूल। तो साथियों सिफलैक्सिन इज यूज टू ट्रीट सर्टेन इन्फेक्शन कास्ट बाई बैक्टीरिया। ये क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है शरीर में, उसमें जो है ये बहुत ही लाभकारी और असरकारक जो है दवाई है। सच एज निमोनिया एंड अदर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये क्या होता है, निमोनिया हो जाता है या जो भी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। एंड इन्फेक्शन ऑफ द बोन, बोन में किसी तरह का इन्फेक्शन है, स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, ईयर इन्फेक्शन है, जेनाइटल है, महिला और पुरुष के जो है जननांग में कोई दिक्कत है, जेनाइटल प्रॉब्लम है एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। साथियों सबसे पहले और बात करेंगे, सिफलैक्सिन जो है इज ए क्लास ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड सिफाइलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। ये सिफाइलोस्पोरिन एंटीबायोटिक जो है की क्लास की ये दवाई है, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर बहुत अच्छा असर करती है। साथियों अब ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई थी, यूजेस की बात करेंगे तो सबसे अच्छा इसका रिस्पांस जो है ओटाइटिस मीडिया, जो कान के अंदर सूजन आ जाती है या इन्फ्लामेशन आ जाता है किसी कारणवश, जो है क्या होता है कान दर्द होता रहता है, तो उसमें बहुत अच्छा जो है उपयोग है। एंड फेरेंजाइटिस, गले में जो है फायरेक्स होता है उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, फेरेंजाइटिस में बहुत अच्छा इसका उपयोग है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन में कहीं भी कोई विकार हो जाता है, सिफलैक्सिन एंटीबायोटिक बहुत अच्छा रिस्पांस करती है तो उसमें। एंड ऑस्टियोमेलाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस में है, और साथ ही साथ सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस मतलब ये होता है कि सूजन, पेट के अंदर कहीं भी छोटी मोटी गांठ है या कोई क्लाट हो गया है पेट के अंदर, तो उसमें जो है, और रुक रुक के पेशाब अगर किसी मरीज को हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है तो क्या होता है उसमें बहुत अच्छा उपयोग है। प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस साथियों क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड अगर किसी का बड़ा हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है, भारीपन हो जाता है, तो उसमें इसका उपयोग होता है। एंड फाइलोनेफ्राइटिस, फाइलोनेफ्राइटिस में इसका उपयोग है, साथ ही साथ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। एंड बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस में जो है इसका बहुत अच्छा क्या कहते हैं, बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलेक्सिस में इसका बहुत अच्छा फायदा है। एंड मेनली जो है क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये जो है उपयोग में लाई जाने वाली दवाई है। और सेलुलाइटिस जिन मरीजों को हो जाता है उसमें इसका उपयोग होता है। एंड डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, साथियों क्या होता है, डायबिटीज की वजह से जो है रोगी के पैरों के उंगलियों के बीच में जो है स्किन सड़ने ऐसी लगती है और एक तरह से घाव हो जाता है, तो उसमें इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनाइटल में किसी तरह का विकार है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है और महिला और पुरुष के जननांग में है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से बहुत से साथियों इसके उपयोग हैं। साइड इफेक्ट की बात करेंगे, कुछ मरीजों में देखा गया है जैसे इसको उपयोग करते हैं तो डायरिया होने के चांस होते हैं, डायरिया इसका साइड इफेक्ट है, नोजिया एंड वोमिटिंग, और इसको खाने से स्टमक कभी कभी किसी मरीज का अपसेट हो जाता है, तो इसके साथ में जो है क्या होता है कि मतलब बी कॉम्प्लेक्स है या इस तरह से जो है इस मतलब स्पोरिनोलैक्टोन जो होता है, स्पोरेक्स है, इस तरह से जो है मतलब बीटा लैक्टिक एसिड की जो है कैप्सूल दे दिया जाता है। और एलर्जी रिएक्शन हो जाता है किसी किसी को, जैसे इचिंग हो जाने लगती है, खुजली हो जाती है, रेडनेस आ जाती है स्किन में, इस तरह का विकार आ जाता है, ये साइड इफेक्ट है। प्रिकॉशन की बात करेंगे साथियों, बिफोर टेकिंग सिफलैक्सिन कैप्सूल टेल योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट, अगर कोई आप दवा पहले से खा रहे हैं या कोई पहले से बीमारी है तो वो डॉक्टर को जरूर बताइए, तो उससे जो है क्या होगा वो उस हिसाब से इसको रिकमेंड करेगा। जैसे कि किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज है तो उसमें क्या होता है कि इसका ये प्रिकॉशन है कि उसके फंक्शन को जो है स्लो कर देती है, तो इसलिए डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। और स्टमक एंड इंटेस्टाइनल डिजीज है, जैसे कोलाइटिस है,
तो कोलाइटिस में इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंट्रेक्शन की साथियों बात करेंगे, बहुत सी दवाइयों के साथ इसका इंट्रेक्शन है, जैसे वारफरीन है, और बहुत इसको खाने के बाद क्या होता है कि पैथोलॉजी के टेस्ट नहीं कराना चाहिए, उसमें रिपोर्ट थोड़ा सा ठीक नहीं आती है, तो इसलिए जो है इसका बहुत सी दवाइयों के साथ इंट्रेक्शन है। अगर कोई दवा खाते हैं आप तो डॉक्टर को अपने ज़रूर बताएँ। डोज की साथियों बात करेंगे, 250 mg एंड 500 mg कैप्सूल डॉक्टर अपने हिसाब से इसका डोज सेट करता है। वैसे स्टैंडर्ड डोज मॉर्निंग एंड इवनिंग बीडी है इसका, दिन में दो बार सुबह और शाम, एडल्ट डोज के लिए 500 mg कैप्सूल ट्वाइस ए डे। और ये साथियों कहता है 7 से 14 दिन तक इस कैप्सूल को दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसका जो डोज है 7 to 14 days तक है। साथियों साथ ही साथ बात करेंगे ब्रांड्स की, जो हमारे पास ये कैप्सूल है ये तो मतलब एक गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट जो सरकारी अस्पताल है उसमें सप्लाई में आता है, और ये जो है उत्तराखंड की कोई मतलब फार्मास्यूटिकल है वो बनाती है, ओपीआई करके फार्मास्यूटिकल है। लेकिन सिफाबैक 500 एमजी कैप्सूल है जो सिप्ला कंपनी बनाती है, सिफाबैक बहुत फेमस ब्रांड है। साथ ही साथ ओरिफ्रेक्स, ओरिफ्रेक्स जो है जाइडस कैप्सूल बनाती है, एंड फैक्सिन, फैक्सिन कैप्सूल ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन बनाती है, एंड स्पोरिडेक्स सन फार्मा बनाती है। तो इस तरह से इसकी जो होते हैं फेमस ब्रांड है, बट फार्मूला सभी में सेम रहेगा। इनकेस आपको ये दवाई किसी ब्रांड से नहीं मिल रही है तो आप बता दीजिए उसको सिफेलेक्सिन कैप्सूल की दवा हमें चाहिए, तो केमिस्ट आपको इजीली से दे देगा। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने ब्रांड से बनाती है पर फार्मूला सेम होता है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाएँ, दबाने से जो भी हमारी मतलब कोई वीडियो बनेगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। किसी तरह की क्वेरी आप हमें ज़रूर कमेंट करें। साथियों नमस्कार।